नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि छोटे बच्चों के लिए घुट्टी कैसे बनाई जाए। घुट्टी बनाना बहुत ही आसान है एवं बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। बच्चा जब 15 दिन का हो जाए उसके बाद आप उसे घुट्टी देना शुरू कर सकते हैं। घुट्टी बनाने के लिए सामग्री आमतौर पर तो घर में ही मिल जाती है, पर यदि ना हो तो आप किसी भी पंसारी की दुकान से ये सारी चीजें आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए पत्थर। ये पत्थर हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसी से हम भगवान को चंदन या फिर केसर अर्पित करते हैं। यदि आपके घर में ना हो तो जैसा मैंने पहले बताया, आप पंसारी की दुकान से इसे ला सकते हैं। अब इसके अलावा जो आपको चाहिए सबसे महत्वपूर्ण, वो है दूध। हम सुझाव देते हैं कि आप घुट्टी बनाने के लिए माँ के दूध का उपयोग करें, लेकिन यदि आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप गाय के दूध का उपयोग भी कर सकते हैं। घुट्टी बनाने के लिए जो बाकी महत्वपूर्ण चीजें जो आपको हमेशा उपयोग करनी है वो है खारक यानी कि छुहारा, ये बहुत ही पौष्टिक होता है। उसके बाद है बादाम। बादाम बच्चों को बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से एक हल्दी, जो कि एंटीबायोटिक होती है। इसके अलावा बाकी सामग्री जो आप समय समय पर उपयोग करेंगे उनकी जरूरतों के हिसाब से, वो है जायफल, जो कि बच्चों को ठंड के दिनों में दिया जाता है। यदि ठंडी बहुत पड़ रही हो तो बच्चों को थोड़ा सा जायफल दिया जा सकता है। उसके बाद है मुलेठी। यदि बच्चे को खांसी काफी आ रही हो तो आप उसे घुट्टी में थोड़ी सी मुलेठी घिसकर दे सकते हैं। इसके बाद है हेड़ा यानी बड़ी हरड़। बच्चों को यदि कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो और उनका पेट साफ करने के लिए बड़ी हरड़ घुटी में घिस के दी जा सकती है। उसके बाद है बाल हरड़। बाल हरड़ विटामिन सी का बहुत ही बड़ा सोर्स है, और यदि बच्चों को एसिडिटी हो रही हो तो आप बाल हरड़ घुटी में घिसकर दे सकते हैं। इंडिजेशन के लिए ये बहुत ही फायदेकारक है। उसके बाद है माजू फल। माजू फल गर्मी के दिनों में बच्चों को गर्मी से राहत प्रदान करता है, तो माजू फल का उपयोग आप गर्मी के दिनों में कर सकते हैं। इसके बाद है सिंगाड़ा। यदि बच्चे को बहुत ज्यादा दस्त लग रहे हो और बच्चा बहुत परेशान हो तो आप उसे सिंगाड़ा घुटी में घिसकर दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को दस्त में आराम मिलता है। बच्चा जब 3 महीने का हो जाए तो उसके बाद आप घुटी में काजू, अखरोट और पिस्ता भी मिला सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं घुट्टी कैसे घिसी जाए। घुट्टी घिसने के लिए आप रोज सिर्फ 5 चीजों का उपयोग करें, जो कि हैं खारक, हल्दी, बादाम, बड़ी हरड़ और मुलेठी। सबसे पहले आप पत्थर पर थोड़ा सा दूध ले लीजिए। उसके बाद आप खारक 5 बार घिसिए। खारक की मात्रा आपको सबसे ज्यादा रखनी है। बादाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, बादाम कच्ची देने से ज्यादा आप रात में उसे भिगो दें और सुबह फिर घुटी में उसका उपयोग करें। बच्चा चूंकि अभी छोटा है तो बादाम की मात्रा आपको कम रखनी है। बादाम आपको सिर्फ 2 बार घिसना है। हल्दी, जो कि एंटीबायोटिक होती है, वो भी आपको सिर्फ 2 बार घिसना है। इसके बाद मुलेठी, जो कि खांसी के लिए बहुत ही राहत देती है खांसी में, और बड़ी हरड़। चूंकि आप बादाम दे रहे हैं तो बड़ी हरड़ जो है डाइजेशन में बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत ही मददगार होती है। तो आपको रोज घुटी के लिए इन 5 चीजों का उपयोग करना है। अब इनका जो पेस्ट बना है इसे आप वापस से दूध में मिला लीजिए। ये पेस्ट आप दूध में मिलाकर वापस से बच्चे को आप दे सकते हैं। ये देखिए घुटी तैयार है। अब यदि ठंड के दिन हो या काफी गर्मी पड़ रही हो या दस्त लग रहे हो या इंडाइजेशन हो रहा हो तो उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। एक बार और मैं बता देता हूं कि आपको कौन सी चीज कितनी बार घिसनी है। बड़ी हरड़, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए है,
उसमें मदद करने के लिए, पेट साफ करने के लिए उसे आपको दो बार घिसना है। बाल हरड़ जो है वो इंडाइजेशन या एसिडिटी में आपको दो बार घिसना है। बाल हरड़ विटामिन सी का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है बच्चों के लिए। गर्मी के दिनों के लिए आप माजू फल दे सकते हैं। जब बच्चों के दांत आ रहे हो तब भी आप उन्हें माजू फल दो बार घिस के दे सकते हैं, वो दर्द में काफी मददगार होता है। यदि बच्चों को दस्त लग रहे हो तो आप सिंगाड़ा घुटी में 5 बार घिस कर दे सकते हैं। और जब बच्चे 3 महीने के से बड़े हो जाएं, उसके बाद आप घुटी में काजू, पिस्ता और अखरोट भी मिला सकते हैं। इनकी मात्रा आपको शुरू में कम ही रखनी है। इन सभी को आप 2 से 3 बार घिस सकते हैं। और बच्चा जब बड़ा हो जाए, 4.5-5 महीने का हो जाए, उसके बाद आप खारक और बादाम की मात्रा बढ़ा दीजिए। खारक आप पूरा 1 घिसके दे सकते हैं, बादाम आप आधी घिसके दे सकते हैं। हम इसी प्रकार दादी नानी के नुस्खे आप तक लाते रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।